दोस्तों, फिलहाल कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से पूरे कंट्री में लॉकडाउन है और उस लॉकडाउन की वजह से सारे एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए हैं, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर कॉम्पिटेटिव हो। बात आती है एसएससी की, तो एसएससी के भी जितने एग्जाम्स हैं वो भी पोस्टपोन किए गए हैं। जो एग्जाम्स चल रहे थे उनको आगे बढ़ाया गया है और जो एग्जाम्स आने वाले टाइम में होने वाले हैं, हालांकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वो भी शायद पोस्टपोन किए जाएँ। लेकिन इस डिले और पोस्टपोन के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है कट ऑफ का, जो सबको इग्नोर कर रहे हैं। इसके बारे में यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा। बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, कट ऑफ को लेकर जो बात मैं कहना चाहता हूँ, पहले मैं उसकी पृष्ठभूमि तैयार करता हूँ। आपको याद होगा 2017 का टीयर टू जो सीजीएल का हुआ था, 2017 टीयर टू, उसमें आपको पता है कि पेपर कहा गया था कि बहुत लेंदी आया है, बहुत डिफरेंट आया था एज कम्पेयर टू 2015 और 2016। लेकिन जो जब रिजल्ट्स आए, जो कट ऑफ आया था, वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। ये कहा जा रहा था कि कट ऑफ काफ़ी कम होगी, लेकिन कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। इसका कारण क्या था? जबकि आपको पता होगा कि 2017 के टीयर टू के पहले जो ऑनलाइन रिसोर्सेज थे वो बहुत कम थे। मतलब उस टाइम, अगर आप शायद पता नहीं उस टाइम से कोई आप प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं, बट अगर किसी ने देखा होगा उस टाइम का कॉन्टेंट, उस टाइम कॉन्टेंट के नाम पर कुछ नहीं था। बहुत सारे एजुकेटर जिनका आज आप नाम सुनते हो, वो 2017 सीजीएल के बाद आए थे, वो उसके पहले वो थे भी नहीं। जो मिड लेवल एजुकेटर्स थे, जो जो 2016 एग्जाम क्रैक किया था, स्टूडेंट्स वगैरह ही थे, वही सब कुछ कुछ पढ़ाते थे यूट्यूब पे, और कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं अवेलेबल होता था। इसके बावजूद कट ऑफ बहुत हाई गया था एक्सपेक्टेड से। ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा और जो सबसे एकमात्र कारण था, वो पहला दो था टाइम का। जो मेंस जो था वो शेड्यूल था नवंबर में कंडक्ट होना, ले अक्टूबर में कंडक्ट होना, फिर ये नवंबर हुआ था, नवंबर से बढ़ते बढ़ते फिर ये फेब में जाए कंडक्ट हुआ था। यानी कि 3 से 4 महीना का, 1 महीने का टाइम मिला था स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा। अब सोचिए कि जो बंदा, जिसका जो मैथ्स है वो बहुत बेकार है, बहुत लो लेवल का है, बहुत एवरेज है, उसको भी अगर 3-4 महीने एक्स्ट्रा टाइम अगर मिल रहा है उसी दो, इंग्लिश और मैथ्स से, सिर्फ इंग्लिश अगर उसका ठीक है तो मतलब कंप्लीट फोकस उसका मैथ्स पे ही रहेगा। तो कितना भी चाहे उसका मैथ्स वीक हो, उस 3-4 महीने तक अगर सिर्फ वो मैथ्स ही पढ़ता रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका मैथ्स क्या होगा? इंप्रूव होगा। ये तो मैं वीक और एवरेज की मैंने बात की। अब जो टॉपर बच्चे हैं, जिनका ऑलरेडी उनका मैथ्स उनका ठीक ठाक है, एचएससी का उन्होंने प्रीवियस ईयर पूरा बना रखा है, उन्हें कॉन्फिडेंस भी है, अब उन्हें अगर 3-4 महीने का टाइम अगर मिल रहा है तो वो क्या करेंगे? तो वो बाकी सोर्स को देखेंगे, जैसे कि सीरियस के जो क्वेश्चंस आए हैं, जो कैट में जो क्वेश्चंस आए हैं, वो सब फोकस करेंगे वो लोग। तो इस बचे हुए टाइम में वो लोग फोकस करेंगे उन चीज़ों को, और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो इन सब चीज़ पे ही बहुत ज़्यादा अपना फोकस बढ़ा देंगे। तो ओवरऑल क्या हुआ कि दोनों का जो मैथ्स था वो स्कोर, दोनों के मैथ्स का स्कोर जो है वो बढ़ेगा। तो जब दोनों का स्कोर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो चेंज है, और ज्यादातर ज्यादा नंबर बढ़ेगा वैसे बच्चों का जिनका मैथ्स वीक है, क्योंकि वो एक लो लेवल से एक मॉडरेट लेवल में आने में उनको बहुत ज्यादा वक्त, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ऑब्वियसली जो कट ऑफ है, भले ही जो टॉप पीक मार्क्स है वो बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, लेकिन जो कट ऑफ है उसमें हमें काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये इतिहास है दोस्तों, ये हर बार ये चीज देखी गई है कि जब भी एग्जाम डिले हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, तो हमेशा कट ऑफ इंक्रीज की है। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं कि बहुत रिलैक्स हो गए हैं कि चलो भाई टाइम मिल गया, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन उनको मैं ये चेतावनी देना चाहूंगा, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सलाह दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि समझ जाइए, आपको अभी भी टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ इंक्रीज होगा डेफिनेटली। भले ही मैंने एग्जाम्पल लिया है एसएससी टीयर 2 का, लेकिन ये बात सीएचएसएल में भी इंप्लाई होगी, ये बात स्टेनोग्राफर में भी इंप्लाई होगी, ये बात सीपीओ में भी इंप्लाई होगी। तो जो भी एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं उन सब में कट ऑफ में थोड़ा आपको सर्ज देखने को मिलने ही मिलने वाला है। तो वैसे बच्चे जिनका मैथ्स का लेवल ठीक है, मतलब जिन्होंने जिनका बेस ठीक है, पढ़ाई उन्होंने अच्छे से कर रखी है, और वो साथ ही साथ इस टाइम का भी अगर अच्छा यूटिलाइजेशन वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सोचिए उनका लेवल क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप स्लगिश हो गए हैं, आपका मैथ्स अच्छा था, आपका इंग्लिश अच्छा था, आपका प्रिपरेशन आपकी अच्छी थी, बट स्टिल आप स्लगिश अगर हो गए हैं, चलो टाइम है यार, पता नहीं कब एग्जाम होगा, इस कन्फ्यूजन में आप थोड़े डरे हुए हैं आपकी पढ़ाई से, आपका फोकस हट गया है, तो ऑब्वियसली आप रेस से बाहर हो सकते हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ कट ऑफ डेफिनेटली हर एग्जाम का बढ़ेगा। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए, उसमें किसी तरह का ब्रेकडाउन नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आ भी रहा है तो कोई बात नहीं, वो सबके पढ़ाई में थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन टाइम तो सबको मिल रहा है, और पता नहीं ये टाइम जो है पता नहीं कब तक एक्सटेंड करे, 2 महीने करे या 3 महीने करे, इसका किसी को आता पता है नहीं। तो प्लीज़ मैं आपसे हाँ जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, जो टाइम आपको मिला ये बहुत ही प्रेशियस टाइम है, आपके करियर बनाने का टाइम है, तो पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर रखिए।
लकी हो आप क्योंकि आपको अभी इंडोर रहने की सलाह दी जा रही है, कोई आपके आपके पास बाहर का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपको अपने ही कमरे में रखे पढ़ाई करनी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो तो ज़्यादा फोकस के साथ अब आप पढ़ाई कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ऐसे बच्चों से जो बहुत ज़्यादा आराम से अभी रह रहे हैं, ताकि उनको पता चले कट ऑफ में क्या सर्ज होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।